हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 22 जून 2022, लास्ट डे यानी 21 जून को मार्केट के अंदर बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिला, और ठीक उसके नेक्स्ट डे मतलब आज फिर से हमें गिरावट देखने को मिला, जिस वजह से लास्ट डे में वीडियो में बार बार आपको अलर्ट रहने का राय दिया था। और आज आप देख सकते हो, मतलब मार्केट अगर एक दिन रिकवर हो रहा है तो मतलब 2-3 दिन वैसे ही गिर रहा है, तो ये सिचुएशन आ चुका है आज के। आज अगर हम बात करें निफ्टी लगभग 1.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला। बहुत सारे सेक्टर के अंदर हमें आज गिरावट हुआ है, स्पेशली मेटल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे हम डिस्कशन करेंगे कि एकमात्र ऐसा न्यूज़ है जिस वजह से हमें मार्केट के अंदर आज एकदम से गिरावट देखने को मिला, जो कि कल तक कुछ भी नहीं था। क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट, लास्ट डे काफ़ी शानदार डॉ जोन्स बोलिए, नैसडेक बोलिए, काफ़ी पॉजिटिव में क्लोजिंग गया था। उसके बावजूद भी दोस्तों, आज गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ है आज मेटल सेक्टर। जिस वजह से दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेटल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर को जितना हो सके आज जो सिचुएशन है यहाँ पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है, बस एक छोटा सा रीज़न चाहिए, आराम से गिर जाएगा मेटल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। और आपके सामने ये इसका प्रूफ है, लास्ट टाइम जब गिरा था याद होगा परसों, मतलब लास्ट फ्राइडे, उसके साथ साथ मंडे भी गिरा था, उसके भी पहले जब मार्केट गिरा था, तो यहाँ पे मेटल सेक्टर साथ साथ और भी सेक्टर्स के अंदर गिरावट हुआ था, बट मेटल सेक्टर के अंदर भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिला। तो चलिए अभी हम बात करेंगे किस रीज़न की वजह से गिरावट हुआ है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आज मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुआ, तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट हाईलाइट किया, बट मेरे ख्याल से एक पॉइंट है और उस वजह से बाकी जो पॉइंट दोस्तों हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था यानी इस जून के फर्स्ट वीक में, तो उस गिरावट के पीछे क्या रीज़न था हम सभी ने जानते हैं। फर्स्ट सेकेंड वीक में हमने देखा था जो कि US का जो सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक का एक FOMC का मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग का जो आउटकम निकला था कि US के अंदर लगभग 75 BPS जो कि रेपो रेट हाइक हुआ। ठीक वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे और एक अपडेट आया है, जैसे कि अब आप देख सकते हो, ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को। US फेडरल रिजर्व चेयर मतलब यहाँ पे चेयरमैन जेरोम पावेल इज ड्यू टू स्टार्ट हिज टेस्टिमोनी टू कांग्रेस लेटर इन द डे, ध्यान से सुनना, विथ इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर फर्दर क्ल्यूज अबाउट वेदर अनादर 75 basis point रेट हाइक इज ऑन द कर्ट एट द फेड मतलब यहाँ पे फेडरल रिजर्व जुलाई मीटिंग। जैसे कि हमने देखा था जब जून का मीटिंग हुआ था सेकेंड वीक पे मे बी, तो 75 basis point जो कि यहाँ पे हाइक हुआ था 75 basis point, ठीक है, रेपो रेट। अभी दोस्तों यहाँ पे बात चल रहा है कि जुलाई का जब FOMC का मीटिंग होगा वहाँ पे और एक बार रेपो रेट हाइक हो सकता है, वो भी 75 basis point का, मतलब लगातार हमें इतना भारी भरकम रेपो रेट के अंदर हाइक देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जिस वजह से बेसिकली ये जब न्यूज़ बाहर आया एंड उसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है उसका सिचुएशन भी थोड़ा सा नेगेटिव चला गया। ठीक उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए वीक US फ्यूचर जो नेक्स्ट पॉइंट है, वीक US फ्यूचर, जैसे कि आपको मालूम होगा लास्ट डे डॉ जोन्स, नैसडेक काफ़ी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। ठीक वैसे ही आज शुरुआत के समय अगर हम बात करें एकदम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एशियन मार्केट है, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ हर एक यहाँ पे जो इंडेक्स है आज थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला। साथ साथ जो डॉ जोन्स का फ्यूचर है, लास्ट डे कितना डॉ जोन्स इतना तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया, आज डॉ जोन्स के फ्यूचर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी अभी, वो भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है अभी। नेक्स्ट देखिए ये न्यूज़ के बदौलत जो रूपी का है, यहाँ पे जो USD के एगेंस्ट में जो वैल्यू है वो फिर से गिर रहा है, आज के दिन पे सबसे ज़्यादा लो लगा दिया 78.29 रुपये मतलब $1 के अगेंस्ट में। साथ साथ अगर हम बात करें FPI सेलअप मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लगातार फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। और उसके साथ साथ जो निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक यहाँ पे थोड़ा बात किया वो हम एंड में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट और जो डॉ का फ्यूचर क्या चल रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ की वजह से देखिए आज जैसे हमें इंडियन मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिला शुरुआत के समय से, ठीक वैसे ही देखिए जब यूरोपियन मार्केट कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ, डैक्स जर्मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2% एकदम शुरुआत के समय गिर गया, FTSE 100 1% गिर गया, CAC 40 1.5% गिर गया, Eurostoxx 50 1.5% के ऊपर गिर गया, FTSE MIB भी 2% के ऊपर गिर गया, IBX 35 ये भी 1.5% के ऊपर गिर गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर जो कि कुछ टाइम पहले निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 15,400 के ऊपर, तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया 15,400 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, एक बार टच भी किया था बट यहाँ पे इसके ऊपर ही जाके आज क्लोजिंग दिया। निफ्टी फ्यूचर देखिए अभी तो 15,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों आज यूरोपियन जो मार्केट काफ़ी डाउन है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपका डॉ जोन्स का फ्यूचर, ठीक है, डॉ जोन्स का फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है लगभग नेगेटिव में
18% नीचे की साइड में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब आज शाम को यानी हमारे यहाँ पे जब इवनिंग होगा, जब डॉ जोन्स यानी US मार्केट ओपन होगा, डॉ जोन्स बोलिए नैसडेक बोलिए, तो वहाँ पे भी दोस्तों एक गिरावट होने का चांस है इस न्यूज़ की वजह से। तो बेसिकली हमने न्यूज़ पता चल गया कि किस न्यूज़ की वजह से आज हमें गिरावट देखने को मिला। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके देखेंगे कि डॉज यहाँ पे जो निफ्टी निफ्टी का है उसका सिचुएशन आज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है ओपन जो कि एक महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न निफ्टी निफ्टी का शुरू करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो निफ्टी निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हो बीच बीच में जब तेज़ी हो रहा था बार बार यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, फिर देखिए नीचे एकदम शार्पली गिरावट जब US का जो फेडरल FOMC मीटिंग का आउटकम आया, एकदम सीधा सीधे देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर देखिए लास्ट डे थोड़ा बहुत हमें रिकवरी देखने की कोशिश, ऑलमोस्ट 15,700 के अराउंड पहुंच गया था। फिर देखिए आज ये जो रेड वाला कैंडल आप देख सकते हो आज के दिन फॉर्म किया और इसका जो मूवमेंट है दोस्तों आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। आपको और थोड़ा सा आसान भाषा में यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए आपके सामने ओपन है निफ्टी निफ्टी का एक साल का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना जो जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जब निफ्टी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई चल रहा था लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने पे, इस चीज़ को ध्यान देना, 18,000 ऑलमोस्ट 600-700 के आसपास। उसके बाद देखिए ये जो हाई टच किया वो थोड़ा सा डाउन में आ गया, ठीक है, लगभग 18,500 के नीचे। उस बाद देखिए जब हमारे देखा था अप्रैल के महीने पे निफ्टी एकदम पीक टच किया था ऑलमोस्ट 18,000, मतलब जो नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट देखिए इसका जो हाई था उससे काफ़ी नीचे, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट लेवल जो है वो देखिए नीचे की तरफ घिस रहा है। देखिए पहले सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया, कुछ दिन बाद देखिए यहाँ पे आज की डेट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे चला गया, तो एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी निफ्टी के अंदर आगे भी गिरने का चांस है। तो मार्केट एक बार रिकवर हो रहा है तो इस चीज़ को देख आप गलती से भी ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, जो कि लास्ट डे में आपको बार बार अलर्ट रहने के लिए चौकन्ना रहने के लिए रिकमेंड किया था, याद होगा आपको। तो अभी हम बात करें कि निफ्टी का फर्दर गिरावट होता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी के लिए आज के दिन अगर हम बात करें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वह 15,200, जो कि हमने लास्ट कुछ टाइम से देखा था जब मार्केट गिरावट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो तो निफ्टी को सपोर्ट दिला था यहाँ पे 15,200 के आसपास। अगर ये 15,200 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो उस केस में दोस्तों निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट है 14,900 इस लेवल पे, और उसके बाद तो ऑब्वियसली 14,500, जो कि हर कोई यहाँ पे बातचीत हो रहा था कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे अगर गिरावट होता है तो निफ्टी यहाँ पे 14,500 तक गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये तीन लेवल मैं आपको मेंशन कर दिया, सबसे पहला लेवल 15,200, उसके बाद लेवल हो गया 14,900, ठीक है। अब देखिए मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट को सिंपल भाषा में आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ पहले ये सपोर्ट लेवल, उसके बाद ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल, हमेशा मैं आपको लास्ट डे वीडियो में आपको स्ट्रेटजी भी बताया था कि मेरा क्या स्ट्रेटजी। मैं जब लास्ट टाइम जो निफ्टी निफ्टी के अंदर गिरावट हुआ था तब मतलब यहाँ पे जो मैं बाई किया था शेयर तब निफ्टी का पोजीशन था इस पोजीशन पे। अब मेरा जो टारगेट है जब निफ्टी फिर से 14,500 तक गिरेगा उस लेवल पे मैं कुछ फंडामेंटल क्वालिटी ब्लू चिप शेयर के अंदर बाई करूंगा, ये मेरा स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर नहीं हुआ इतना तक नहीं गया तो कोई बात नहीं, जब मार्केट रिकवर करेगा उसके रिकवरी के साथ साथ मैं अपना स्ट्रेटजी भी चेंज कर लूँगा। अब सिंपल भाषा में दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूँगा दो सेक्टर जो कि शुरुआत के समय बताया था, जहाँ पर आपको सिंपल भाषा में इग्नोर करना ही बेटर होगा। इसके पहले भी बोला था आज भी बोलूँगा, एक हो गया आपका सीमेंट सेक्टर, ध्यान से सुनना, एक हो गया सीमेंट सेक्टर, दूसरा हो गया मेटल सेक्टर। ये दो सेक्टर दोस्तों बहुत ही वीक सेक्टर आज के दिन में बन चुका है, मतलब एक बस छोटा सा रीजन चाहिए फटाक से गिर जाएगा। आज की आप प्रूफ भी देख लिया, इवन लास्ट कुछ समय में देखा बड़े बड़े कंपनी टाटा स्टील JSW कंपनी आज कितना ज्यादा गिरा। तो सिंपल भाषा में ये दो सेक्टर से इग्नोर कीजिए, बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्वालिटी शेयर में फोकस कीजिए। तो वीडियो के भी आप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेटेक, बाय, जय हिंद।